नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रेड पांडा नाम की एक स्पीशीज के बारे में। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं जिनमें ये बताया गया है कि जो दो प्रकार की प्रजातियां होती है रेड पांडा की, हिमालयन और चाइनीज, वो दोनों ही भारत में पाई जाती हैं। पहले ऐसा अज्यूम किया जाता था कि यहाँ हमारे यहाँ केवल हिमालयन रेड पांडा देखा जाता है, लेकिन चाइनीज सब स्पीशीज हमारे यहाँ पर नहीं मिलती हमारे देश में। लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं ग्राउंड पर, उनके द्वारा ये पता चला है कि इसका जो एरिया है वो भारत में भी है। कौन सा एरिया है वो मैं आपको बताऊंगा और इस स्पीशीज को क्या खतरे हैं, IUCN की रेड लिस्ट में ये कहां पर आती है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां आप लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ ही दिन पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी करी थी और बताया कि हमने जो स्टडीज करी हैं पिछले 3 सालों में उसके बेसिस पर हम ये बता रहे हैं कि दोनों स्पीशीज रेड पांडा की भारत में मिलती है। अब UPSC को इस तरह के सवाल पूछने का बहुत शौक है। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है किसी न किसी स्पीशीज पर और उन पर जो लेटेस्ट नई स्पीशीज भारत में डिस्कवर हुई हैं या फिर IUCN की रेड लिस्ट में अगर किसी को शामिल किया गया है, हटाया गया है, इस तरह के सवाल पर, इस तरह के टॉपिक्स पर सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं, दो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं ZSI के द्वारा, ये बताते हैं कि जो रेड पांडा का नेटिव होम है वो कौन से एरिया में है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों सब स्पीशीज, हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा, ये दोनों ही भारत में पाए जाते हैं। ये दोनों सब स्पीशीज हैं किसकी, रेड पांडा की। तो ये होता है रेड पांडा। अब आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये तो पांडा जैसा लग नहीं रहा। तो देखो, ये ट्रेडिशनली जो आपने पांडा की तस्वीर बना रखी है अपने दिमाग में, एक व्हाइट और ब्लैक कलर का प्राणी है जो बैम्बू चबाता रहता है, उसके मिलते जुलते भी कुछ और स्पीशीज हैं। तो ये है रेड पांडा। ये टिपिकल पांडा जितना बड़ा भारी भरकम नहीं होता है, काफी हल्का सा होता है। इनफैक्ट इट लुक्स मोर लाइक अ कैट, लेकिन ये रेड पांडा ही होता है। ये पेड़ों पर भी चढ़ जाता है और इसके जो हिमालयन स्पीशीज है उसका नाम होता है एल्यूरस फुलजेंस। तो नाम अगर याद रख सको तो रख लेना, एल्यूरस फुलजेंस। और जो दूसरी चाइनीज सब स्पीशीज है उसका नाम है एल्यूरस स्टायनी। तो ये है चाइनीज रेड पांडा और ये है हिमालयन रेड पांडा। तो रेड पांडा को 2020 तक एक मोनोटाइपिक स्पीशीज माना जाता था कि इसमें सब स्पीशीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सतही तौर पर देखोगे तो आपको इसमें और इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज हुई हैं जेनेटिक मेकअप की, उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे पता चलता है कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं और इन दोनों सब स्पीशीज के बीच में बाउंड्री बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग भी कहा जाता है। तो अगर हम रेड पांडा स्पीशीज के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आप पाएंगे कि ये मोस्टली हिमालयन पर्वतों में पाया जाता है और हिमालयन पर्वतों के अलावा जो चाइना के माउंटेन रेंजेस हैं यहां पर भी ये मिलता है। तो इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार, ये वो देश हैं जहां पर हमें रेड पांडा प्रजाति देखने को मिलती है। इसमें भी आप देखेंगे मोस्टली हिमालयन वाला बेल्ट है। IUCN के अनुसार ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है और साइटीज के भी अपेंडिक्स 1 में ये स्पीशीज लिस्टेड है। अब दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है तो आज स्टडी IQ की रिपब्लिक डे सेल का आखिरी दिन है। अगर आप इस कोर्स को, यानी UPSC कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है। आपको रिपब्लिक 10 कोड यूज करना है और आपको 50+10 एक्स्ट्रा परसेंट डिस्काउंट मिलेगा UPSC कोर्स पर। तो ये कोर्स लगभग 18,000 रुपीज के आसपास आपको पढ़ने वाला है, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर व्हाट यू गेट। इसमें आपको हजारों वीडियोज मिलेंगे, कई सारे इसमें स्पेशल फीचर्स हैं इस कोर्स में जो इसको एक टिपिकल जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उससे अलग बनाते हैं। और यहाँ पर आपको कोई मंथली चार्जेस पे नहीं करने हैं, आपको एक बार ये अमाउंट पे करना है और पूरा कोर्स आपका है। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। हाँ, आप चाहें तो इसको EMI ऑप्शन पर अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक साथ इतना अमाउंट नहीं पे करना चाहते या सक्षम नहीं है इस पे करने के लिए अभी, तो आप इसको EMI पर भी अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। तो अब रेड पांडा जो है ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, यानी कि ये दिखाता है कि ओवरऑल हेल्थ क्या है फॉरेस्ट की, पूरे इकोसिस्टम की। अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब पूरा जंगल, पूरा इकोसिस्टम अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है। और इसके नंबर्स कम हुए तो जंगल की पूरी ओवरऑल हेल्थ नीचे जा रही है। तो वैसे रेड पांडा एक काफी शर्मीला प्राणी है, ये इंसानों से टच में नहीं रहता। अगर इंसान इसको आसपास भी दिख जाते हैं तो ये जाकर छुप जाता है। सॉलिटरी एनिमल है, अकेला घूमता है, झुंड में नहीं घूमता है और आर्बोरियल है। आर्बोरियल का मतलब ये पेड़ों पर रहना प्रेफर करता है। और इसका खाना क्या है, मेनली बैम्बू। और बैम्बू जो नॉर्मल पांडा होता है व्हाइट और ब्लैक वाला, वो भी बैम्बू ही खाता है। लेकिन इसमें रेड पांडा की खासियत यह है कि ये बैम्बू के अलावा दूसरी चीजें भी खा लेता है, जैसे घास, फल, इंसेक्ट्स, बर्ड एग्स भी खाते हुए देखे गए।
रेड पांडा के पाचन तंत्र की एक बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। ये अपने खाने का केवल एक चौथाई हिस्सा पचा पाता है। ओनली 24% ऑफ द बैम्बू दे ईट इज डाइजेस्टेड, बाकी का 76% वेस्ट निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हो इसको कितना ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, केवल एक चौथाई खाना ही अपना पचा पाता है। तो इसीलिए इनको डेली सर्वाइव करने के लिए अपने वजन का लगभग 30% बैम्बू खाना जरूरी है। इसीलिए ये घने जंगलों में रहते हैं जहां पर इनको खाना आराम से मिल जाए। तो इस तरह के डेंस फॉरेस्ट में ये देखे जाते हैं, और क्योंकि ये शाय हैं, शर्मीले हैं, तो इनका फोटोग्राफी मोस्टली कैमरा ट्रैप से ही होता है। जो कैमरास लगाए जाते हैं जंगल में रिसर्चर्स के द्वारा, जिनमें अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो ट्रैप कर लिया जाता है, वो फोटो खींच ली जाती है, उसी में इनके फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इंसानों के द्वारा इनके फोटोज बहुत ही रेयर हैं। अब इस शर्मीले रेड पांडा पर रिसर्च किया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स ने 3 साल के लिए। इन्होंने हिमालय के पर्वतों में 3 साल तक इस पर रिसर्च किया, और उसमें मेनली जो इन्होंने स्टडीज का फोकस रखा वो था फीकल सैंपल्स को स्टडी किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल है, लेकिन फीकल सैंपल्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो इनके एनालिसिस से ये पता चलता है कि हिमालयन रेड पांडा वाली जो सब स्पीशीज है वो सियांग नदी के पश्चिम में देखने को मिलती है। तो ये सियांग नदी जा रही है, ब्रह्मपुत्र का नाम सियांग है अरुणाचल में, तो इसके वेस्ट में यानी इस इलाके में अरुणाचल हो गया, नॉर्थ वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और भूटान वाला जो ये एरिया है यहां पे देखने को हमें मिलता है हिमालयन रेड पांडा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और साउथ टिबेट, यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसमें आपको देखने को मिलेगा हिमालयन रेड पांडा। ठीक है, एक रफ एनसर्कलमेंट में कर रहा हूं, ये वाला एरिया हो गया हिमालयन रेड पांडा का, और सियांग नदी के पूर्व में यानी ये वाली जो पूरी टेरिटरी है यहां पर हमें देखने को मिलता है चाइनीज रेड पांडा। तो ये दिबांग वैली और इंडिया और साउथ वेस्ट चाइना के इलाके आ गए, तो यानी कि ये चाइना वाले रीजन है, और उसके अलावा जो दिबांग वैली का एरिया है वहां पर भी ये चाइनीज सब स्पीशीज देखने को मिली थी। तो सियांग नदी एक तरह से इनका बॉर्डर बना रही है। अब वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट इसके मूवमेंट को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमालय के अक्रॉस कैसे मूव करता है, कौन से कॉरिडोर्स हैं, उन पर भी अब स्टडी करी जाएगी। एक और स्टडी ZSI के द्वारा करी गई, वो है जियोलॉजिकल एंड प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशंस। इसके कारण इनका जो स्प्रेड है, इनकी डेमोग्राफी है, उसके बारे में हमें काफी कुछ मालूम चलता है। तो इस रेड पांडा में स्पीशीज डाइवर्जेंस यानी कि हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा अलग अलग कब हुए, लेट टू मिडल प्लीस्टोसीन के समय में, 0.3 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहां पर प्लीस्टोसीन के समय में ये दोनों अलग स्पीशीज हुई थी। ओके, और आपको ये जो पूरी टाइमलाइन है इसके बारे में ब्रीफली मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी कवर किया जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और प्लीस्टोसीन को हम कॉमनली आइस एज कहते हैं, जो 10,000 साल पहले ही खत्म हुई है, और प्लीस्टोसीन जो है वो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम था, यानी कि उस समय पूरी धरती पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी, और इसी को आइस एज नाम की मूवीज में भी दिखाया गया है। अगर आपने देखी हो तो दे आर वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। तो हिमालयन रेड पांडा जो है वो इस प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन के दौरान बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, उसकी पॉपुलेशन साइज घट गई थी, क्योंकि उसके जो रहने के इलाके हैं वहां पर बर्फ की चादर थी और हैवी टोपोग्राफिक और जियोलॉजिकल चेंजेस देखे गए थे। कभी बहुत ज्यादा वेट साइकिल है, कभी पूरा ड्राई पीरियड है, तो इसके कारण रेड पांडा की आबादी काफी घट गई ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड, और उसी समय स्पीशीज में वेरिएशन डाइवर्जेंस भी आ गया था। अब आज के समय की बात करें तो रेड पांडा स्पीशीज को कंजर्व करने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि इनके नंबर्स लगातार घटते जा रहे हैं, और ये काफी सेंसिटिव एनिमल है इकोलॉजी के लिए भी, और हिमालय की इकोलॉजी काफी तेजी से चेंज हो रही है। आई डोंट थिंक मुझे ये बार बार बताने की भी जरूरत है कि हिमालय में कितने बदलाव हो रहे हैं। आप लोग अगर स्टडी है क्योंकि वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि हिमालय में काफी इकोलॉजिकल चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए जरूरत है कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को मिलाकर क्रॉस बाउंड्री जो यहाँ पर इसकी आबादी रहती है उसको कंजर्व करने के लिए हमें कई देशों को और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा। कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुआ था, जिसमें रेड पांडा एक जगह देखा गया था चुग वैली नाम की जगह पर अरुणाचल में, और उसके बाद इस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया था ताकि इसका हैबिटाट बचाया जा सके। तो इस तरह के लोकल स्तर पर भी हमें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा ZSI कोशिश कर रहा है कि भूटान, नेपाल और चाइना के साथ मिलकर इसके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए। रेड पांडा को सबसे ज्यादा थ्रेट किससे है, हैबिटेट लॉस, दूसरा इसको पकड़ा जाता है, शिकार किया जाता है, फिर इसके फर को बेचा जाता है, लेकिन इसके फर की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई है, अब इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। उसके बावजूद ये मर रहा है प्राणी, क्यों, क्योंकि दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए जो ट्रैप्स लगाए जाते हैं उसमें ये आके फंस जाता है।
तो पिछले 2 दशक में ही रेड पांडा की पॉपुलेशन आधी हो चुकी है, 50% डिक्लाइन देखा जा चुका है रेड पांडा की पॉपुलेशन में। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इस वक्त केवल 15,000 रेड पांडा वाइल्ड में बचे हैं, जिसमें कितना बड़ा इसका ज्योग्राफिक एरिया है आपने देखा है, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन केवल 15,000 रेड पांडा एस्टिमेटेड है नेपाल, चाइना, इंडिया, भूटान, चारों देशों में मिलाकर। पिछले साल एक काफी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, मोंगा बे पर इसका एक आर्टिकल भी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें यह पाया गया था कि इसको जो स्टडी कर रहे हैं ना, शायद उन्हीं लोगों के कारण इसके जो इसकी पोचिंग है वो बढ़ रही है, यानी कि एक्चुअल में डिमांड इसकी है नहीं मार्केट में, किसी को इसका फर नहीं चाहिए, लेकिन जो इस रेड पांडा पर रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, शिकारियों से जाकर छुपकर बातचीत करते हैं, कहते हैं कि क्या इसकी फर मिल जाएगी, तो उन्हीं के कारण एक फेक डिमांड बन रही है जो रिसर्च कर रहे हैं उनके कारण। तो ये भी इसका एक काफी इंटरेस्टिंग पहलू था। तो ये रेड पांडा की पेल्ट है, पेल्ट या फर जो भी आप कह लो, तो ये बिक रही है, काठमांडू का एक फोटो है, इलीगली इसे बेचा जाता है, और नेपाल में ये टॉप 5 मैमल्स में है जिसकी इलीगल पोचिंग होती है, जिसका शिकार किया जाता है। पिछले साल ट्राफिक नाम के वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप ने इस रेड पांडा के इलीगल ट्रेड पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करी थी, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज उनकी वेबसाइट पर जाकर इसे पढ़ लेना आप। और इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो नेपाल और भारत में इसकी इसका शिकार किया जाता है वो 4 कारणों से होता है। सबसे पहला इसका फर, 70% रीजन, दूसरा इसको पेट के रूप में रखने के लिए जिंदा पकड़ के, तीसरा कैप्टिव ब्रीडिंग, और चौथा सबसे कम है 5% ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। जबकि रेड पांडा जो है ये पेट बनने के लायक ही नहीं है, दे आर नॉट आइडियल पेट्स, क्योंकि एक तो इनके बहुत शार्प क्लॉज होते हैं, दूसरा ये जब एक्साइटेड होता है तो एक बहुत ही स्ट्रांग ओडर, एक बदबू सी आती है वो छोड़ता है, बदबू हमारे लिए होती है वो उसके लिए नहीं होती, और ये सॉलिटरी है नेचर में, ये अकेला रहना प्रेफर करता है, इंसानों के आसपास बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए ये पेट बनने के लायक ही नहीं है। फिर भी लोग इसको, कुछ लोग इसको पेट बनाते हैं, हालांकि पेट ट्रेड कम है, 20% है, मेनली फर वाला ही रीजन है कि इसको मारकर इसका फर यूज किया जाता है। एक जाते जाते आपको ट्रिविया बता देता हूं, फायरफॉक्स नाम का जो वेब ब्राउजर है उसमें ये जो ये फायरफॉक्स है ना, इसकी इंस्पिरेशन इस रेड पांडा से ली गई थी। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, एंड अगेन यूपीएससी स्मार्ट कोर्स जो स्टडी आईक्यू का है उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो प्लीज हेड टू स्टडी आईक्यू .com एंड यूज द कोड रिपब्लिक 10। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।